नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। गाजियाबाद में सरकार के साथ साथ गाजियाबाद प्रशासन लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए अलग अलग योजनाओं पर काम कर रहा है, बावजूद इसके प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। वहीं गाजियाबाद में एलडी सेंटर में एक नौजवान युवक ने अलग ही तरीके से लोगों को प्रदूषण कम करने का संदेश दिया। वो ऑक्सीजन मास्क पहनकर एक डांस प्रोग्राम में पहुंच गया। 23 साल के दिनेश पांडे ने बताया कि वो आज के नौजवानों को पर्यावरण का महत्व समझाने के लिए सड़क पर ऑक्सीजन मास्क पहनकर और कमर पर ऑक्सीजन सिलेंडर में पेड़ पौधे लगाकर नौजवानों को संदेश दे रहा है। मैं बस लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपने आगे जाके सेफ रहना है, अपने यूथ को सेफ रखना है, अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा बनाना है, तो हमें पेड़ों को बचा के रखना पड़ेगा। और ये आइडिया बस हमें लोगों को देख देख के आया कि जैसे लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं आजकल, ब्लैक कलर का मास्क लगा के, भाई पॉल्यूशन बहुत है। हम भी अगर सुबह जल्दी उठ के निकलते हैं तो आँखों में मिर्च लगती है, हवा लगती है तो मिर्च लगती है आँखों में। हापुड़ की धौलाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व निर्मल ऑयल मिल में मालिक और कर्मचारी को बंधक बनाकर 1.5 लाख रुपए के लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने चारों लूटेरों के पास से लूटे गए 1.5 लाख रुपए में से 1,40,000 रुपए भी बरामद कर लिए। साथ ही बदमाशों के पास से 2 तमंचे और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। जैसा कि आप अवगत हैं कि दिनांक 12 तारीख को शाम को एक बिमला ऑयल मिल है जिसके मालिक अनुराग सिंघल हैं, लूट की घटना हुई थी। 4 बदमाशों ने ओवर पावर करके उनसे यहाँ से 1.5 लाख रुपया लूट लिया था। वो खल खरीदने के बहाने आए थे, पहले उनके नौकर जो यामीन था उसको ओवर पावर किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके के वैशाली में बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिता लोदी के ड्राइवर ने अपने कमरे में पंखे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। सुबह जब अन्य सर्वेंट के द्वारा दरवाजा खोला गया तो दरवाजा नहीं खोलने पर इसकी सूचना बीजेपी विधायक को दी गई। बीजेपी विधायक के द्वारा मौके पर पहुंचकर इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये अभी सूचना प्राप्त हुई है, थाना इंदापुरम क्षेत्र में रामप्रस्था ग्रीन 160 है, जिसमें कि जी ब्लॉक में रहने वाले जितेंद्र जीतू नाम का एक व्यक्ति है जो मूर्तिया डिवाई का रहने वाला है और उसके द्वारा आत्महत्या सुसाइड किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मैं मॉर्निंग में फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को बताया कि जो मेरे ड्राइवर है जीतू वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, तो आए फिर यहाँ पे इस घटना के बारे में पता चला। तो आपने देखी उत्तर प्रदेश की खास खबरें, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है। ठीक इसी तरह की बाकी खबरों के लिए और उत्तर प्रदेश की तमाम जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।